चल दे हमारे दिशा डाल जा से हमारे भाव जा से कितने दिन से घूम रहे हैं एक हफ्ता से घूमा जी आधार कार्ड आया है जी तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं इसका जो है इसका सजा जो है अब तक हमारे लोगों को गरीब मजदूर पिछड़ा दलित लोगों को हो रहा है यहाँ पर लगभग एक एक महीना से एक एक औरत एक एक बुढ़ा एक एक जो है बुजुर्ग लोग आकर के अपना रोजगार छोड़ करके वो व्यक्ति जो दिन कमाता था और दिन खाता है वो व्यक्ति एक एक महीना तक यहाँ पर आकर के जो है बैठता है लेकिन आधार कार्ड में इनका सुधार नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो केंद्र खुला है ये केंद्र वाला यहाँ सिस्टम के हिसाब से अगर 40-50 रुपए लेना होता है तो यहाँ पर 70 रुपए वसूला जा रहा है। लगभग एक महीना से ये काम हो रहा है यहाँ पर, जबकि इससे पहले भी उनको समझाया गया था कि ये सब ना किया जाए लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। सुनने में आया कि एक दिन पहले पर्ची देते हैं दूसरा दिन काम हो जाता है। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे टोकन मिला है, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए तो सर। आज मुझे टोकन मिला है क्या, कितने दिन? 3/1/2018 में आना है और मुझे जो है ना पटना में एक मुझे पेपर भेजना है आधार कार्ड का, पटना ऑफिस में भेजना है, तो हम 2 महीना हमारा काम नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करें इसके लिए? बोलिए तो आधार कार्ड का 2-3 महीने के बाद हमको आधार कार्ड बनाने के लिए आना पड़ेगा ठाकुरगंज में, तो कल जो हमको भेजना है आधार कार्ड के लिए जो जरूरत, तो हम क्या करें इसके लिए? हम अभी आप लोग यहाँ क्या किए? ताला लगा नहीं है यहाँ पर, हम लोग धरना दिए हैं। नहीं पड़ेगा यहाँ से हिलेंगे। हम लोगों का मन है कि यहाँ पर पंचायत वाइज जो है केंद्र बैठाया जाए ताकि हमारे गरीब मजदूर लोगों को परेशानी ना हो। आधार कार्ड बनवाने में सुधार का जो बच्चा है इनका फी भरना है, आधार कार्ड उसको जरूरत देना है, लेकिन आधार कार्ड का जरूरत नहीं देने से उनके बच्चे का फी नहीं भरा जा रहा है। तो ये जो ये तारीख देखिए कब दिया है, देखिए तारीख देखिए सर, यहाँ पर लोग झगड़ रहे हैं ना, लोग 10-10 दिन से आया है यहाँ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 2000 आदमी है, 2000 आदमी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पर लड़ने।